International for your service. इस फिल्म में मैं होता. मैं समझा नहीं यार की कह रहे हैं. मैं पूछे है कि जब तुसी वापस आए हो तो सा एनजीओ की पिक्चर देख के थानू लगे कि इस पिक्चर काश मैं होवा. इतनी वड्डी वड्डी पिक्चर लगी हैं ते थानू के देख के लगे कि मैं होवा पिक्चर. बिल्कुल यार बैटमैन देख के मैनू इस तरह लगे. Sanju sir here. Towards your left. सर अब आपकी लाइफ जो है काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है पिछले और रंगीन भी रही है यार. होपफुली वो दत्त में देखने को मिलेगी. सर मैं जानना चाहूंगा कि जब आप जेल से बाहर आए तो कितने बेताब थे कि आप स्क्रीन पर लौटें और सेट के शूटिंग पर लौटें, क्योंकि आपकी लाइफ हमेशा से आपने इतने सालों तक 35 साल तक फिल्मों में काम किया है, तो कितना वेट कर रहे थे कि मैं पहली फिल्म में और पहले सेट पे पहुंचूं, और पहले दिन जब आप सेट पे पहुंचे तो क्या फीलिंग्स थी उस दौरान? वेल, मैं बेताब तो नहीं था वापस सेट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि दाल चावल मेरी बीवी ही दे देती थी खाने के लिए यार. और लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि जो पिक्चर जो पहली आएगी एक मैसेज हो, एक ढंग की पिक्चर हो, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पिक्चर हो, एक पिक्चर जो मेरे बड़े भाई विनोद जी देखकर प्राउड हों, गाली नहीं दें, जो मेरी वाइफ देख के बोले कि बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं तो वो भी गाली दे देती है, और बाकी के जितने प्रिया भी गाली देती है, ये ओवन तो नहीं दे सकता बेचारा, लेकिन एक दो ड्रिंक के बाद में बोल सकता है. लेकिन ये सब डेंजरस लोग बैठे हैं यहाँ पे भी ये लोग भी, वो परेश जी भी हैं, बंटी वालिया, अपना बंसल साहब और बिट्टू, तो आई थिंक इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ के ये पिक्चर की. रणवीर, एक सवाल आपसे है कि जैसे कि विधु विनोद चोपड़ा सर ने बताया, राजू हिरानी ने, और सब इंडस्ट्री के लोग काफ़ी अरसे से सर को जानते हैं, संजय सर को जानते हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि आपने एक बयान दिया है कि ये फिल्म करते वक्त मुझे जो कुछ संजय दत्त के बारे में पता चला वो मुझे भी नहीं पता था, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे इस फिल्म में आप संजय दत्त बने हैं जो आने वाली बायोपिक है? वेल, शेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि विधु सर मुझे मार देंगे. बट जी, मैं संजू सर को बचपन से जानता हूँ, लेकिन जब हमने बायोपिक पर काम करना शुरू किया तो मुझे हमेशा लगा कि ये एक्चुअली बायोपिक नहीं हो सकती, ये एक्चुअली एक साइंस फिक्शन फिल्म है, क्योंकि ऐसी लाइफ एक इंसान को जीना, मतलब आप मुझे, मेरे समझ में ही नहीं आया कि ऐसी लाइफ कौन जी सकता है. मुझे एक्चुअली अभी कल की बात है जब संजू सर ने मैसेज किया कि यू नो ट्रेलर लॉन्च पे आ जाओ, तो सडनली मुझे एहसास हुआ अरे यार ये तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. फिर पीछे से एक दूसरे रणबीर ने मुझे टपली दिया और कहा कि तुम कभी संजय दत्त बन नहीं सकते, ज़रा इतना फुदको मत, संजू सर का ट्रेलर लॉन्च है, दैट यू हैव टू गो एंड अटेंड. तो मैंने एक साल इनको एम्यूलेट करने की कोशिश की. प्रार्थना करता हूँ कि ठीक ठाक किया, क्योंकि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री बट इन द कंट्री, यू नो समथिंग दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, वी कैन टेक सो मच फ्रॉम हिज लाइफ. बट हाँ, जब मैं कभी सोचता हूँ बायोपिक के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, यही मेरे सोच में आता है कि ये साइंस फिक्शन फिल्म है, ये एक ड्रामेटिक या रोमांटिक फिल्म नहीं है. हेलो संजय सर, भावना, यू फ्रॉम पिंकविला. सर आज फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेलर इज रियली गुड एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट, बट इट इज ऑल्सो त्रिशालाज बर्थडे टूडे, एंड सिंस द फिल्म इज अबाउट फादर एंड डॉटर्स रिलेशनशिप, इज वॉज दिस अ इंटेंशनल डिसीजन टू लॉन्च द ट्रेलर टूडे? Yeah, I think it was, I mean, it was a important day for her, and we all miss her, and we all wish she was here, but it is a birthday, and I think this was the best day for this trailer to be launched. So, विदु जी मुझे मार डालेंगे. वो फिल्म तो आने दीजिए ना, आज तो भूमि की बात करते हैं, बिकॉज वो उसका वक्त आएगा जब हम बहुत बातें करेंगे उसकी. ऑल आई कैन से इट्स एन अमेजिंग लाइफ, एंड व्हाट इज मोस्ट अमेजिंग इज दैट संजू इज बीन ब्रेव इनफ टू
spell it out honestly to us, and he's not scared to portray a very positive life. Or he's opened up the cards and he said, "Aapko jo bolna hai, bolo. Meri zindagi aisi thi." So I would say he's a very brave man. Biopics can be very one-sided, but this is a biopic which is from all perspectives, and it's a very open biopic. Sanju, sir. Sanju, don't you think you are too young to be Aditi's father? Wow. Of course I'm young to be a father, but I'm just playing a character. You forget that? Sanju, sir. Sir, center mein. सर आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा. जैसे सारे लोग बोलते हैं कि हर एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और जो भी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मान्यता जी ने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को फेस किया, और ये जो पूरी जर्नी रही आपके लाइफ की, या फिर ये जो आपके कमबैक आप बोल सकते हो, तो इस बीच में उनका क्या रोल रहा या उनका क्या किरदार रहा, और इस फिल्म में जब आप कर रहे थे तो क्या उनसे कुछ एडवाइस लिया था या समथिंग कुछ इस तरह से? आपने बिल्कुल सही कहा है कि मान्यता जी ने हर पल हर लम्हा मेरा साथ दिया है और हमेशा देंगी, और एक दो ऐसी चीज़ें मुझे दी हैं जहाँ जो कोई दे नहीं सकता, इकरा और शाहरान. और इनसे बिल्कुल एक चीज़ सीखने में मिली है, वो गुस्सा. तो वो मैंने पोर्ट्रे किया है भूमि में शरद के ऊपर. वो भी संजय सर, sir, this is your first film after your release. Has your time, away changed your working style in any manner? I didn't get that. What was that? So this is your first film after your release. So has your time away from the screen, the time you spent in jail, has it changed your working style in any manner? I think my working style is the same. I mean, I don't hear a script. I don't watch the monitor. I don't look at the lighting. I don't look at the other artist, what he does. So, I mean, there's nothing changes, the same. Sanjay sir, also in this film, there's this theme of save the daughter, which has echoes of perhaps Beti Bachao. You think so? The government slogan, Beti Bachao. Yeah, what about that? So, the film's theme is also save the daughter. And, you know, this is a topic that everybody's talking about today. I mean, you can say it says save the daughter, but it's more a film about a relationship between a father and a daughter. You know, and definitely I believe in Save the Daughter also. Sanjay, when you heard the first time that the biopic will be made, were you a bit skeptical? Were you a bit worried or nervous? And also there were some reports that Ranbir was trying to meet him and meet you to do his research, but it was difficult to get in touch. Ranbir, do you... It'll take Ranbir 50 years to do research on me first. So, I mean, you know, he's been a very, very special part of my life, not because of the biopic, but just because of him growing up, and it's his family's relation with my family and stuff like that. And if I was, what, scared? Were you a bit skeptical at what will be shown in the biopic? I was not skeptical at all, because Raju, me and Abhijat sat for many, many hours and I laid the cards right out in front of them. I've got nothing to hide. And I have never had nothing to hide, so that is okay. Sanju sir, ek film ki puri zaban hoti hai dialogue writing. To Raj Chandel ji ke bare mein aap kya kehna chahenge, jinhone is film ka screenplay aur dialogues likhe hain? Kis tarike ka experience raha aur kya bonding share karte hain aap? Actually, Raj comedy serials likhta tha, aur you know, jab usne ye picture likhi, I was amazed and I was shocked ke itna talent is ladke mein hai. कभी कभी बहक जाता है, लेकिन अभी क्या करें यार, वो होता है. संजय सर, जस्ट नियर टुवर्ड्स योर लेफ्ट सर हियर. संजय सर, देयर वर रिपोर्ट्स दैट अपेरेंटली रणबीर एंड अनुराग बासु हैड अप्रोच्ड यू फॉर जग्गा जासूस एंड द रोल वाज इवेंचुअली प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी. हाउ ट्रू वर दीज? आई थिंक रणबीर शुड आंसर दिस. आई थिंक एवरी रोल दैट्स रिटन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फर्स्ट गोज टू हिम ओनली. इट पासस थ्रू हिम देन इट फिल्टर्स डाउन. ऑफ कोर्स, you know, it was my first production, and it was a special appearance, and we wanted to carry it in the second part. And Basu Dada and myself thought there was nobody better than Sanju sir, but Sanju sir very gladly, on the first time he heard it, he said, yeah, I'll do it. But there was some issue with, you know, the release of his first film and other stuff.
But not this, maybe the next one. Of course, anything for you. Sanjay sir, have you seen the movie though? I mean, Jagga Jasus? I beg your pardon? Have you seen the film? I haven't seen it yet. I haven't seen it. But I mean, I know it's a good, I saw the trailer, I loved it, but I'm going to see the film, and if I feel something is wrong, he knows what he's going to get. Baba, here towards your left. I hope nothing is shown, but that depends on Raju here. Baba, it's good to have you back. The trailer is amazing. Towards your left here. Left. Baba, it's good to have you back. The trailer is good. But do you think if you had come back with the Munna Bhai series, the comeback would have been perhaps, you know, a bigger comeback for you? Like, everyone is waiting for that movie. And...